नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दिल्ली दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनावों पर भी तैयार करेंगे रणनीति, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। दिल्ली जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, ये बड़ी खबर आ रही है। 8 से 9 मई दिल्ली दौरे पर रहेंगी प्रतिभा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगी प्रतिभा सिंह, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं निगम में ताजपोशी। लोकसभा चुनावों पर भी तैयार करेंगे रणनीति, ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली जाएंगी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, इस वक्त की बड़ी खबर। 8 से 9 मई दिल्ली दौरे पर रहेंगी प्रतिभा सिंह, तो कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगी प्रतिभा सिंह, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। निगम में ताजपोशी पर चर्चा संभव मानी जा रही है। लोकसभा चुनावों पर भी तैयारी जो है वो यहां पर शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली जाएंगी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। बढ़ेंगे आगे, उधर शिमला नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के नाम को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। इस बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। बता दें कि निगम चुनावों में 21 महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की 14 महिलाएं शामिल है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने महिलाओं को बड़ा पद देने की पैरवी की है, लिहाजा उन्होंने प्रियंका वाड्रा का जिक्र यहां पर करते हुए कहा है कि प्रियंका वाड्रा भी हमेशा महिलाओं की भागीदारी की पैरवी करती नजर आई हैं। बता दें कि जल्द ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक होनी है और जिसमें कि मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर चर्चा की जाएगी। तो चुनाव में कुल 21 महिलाओं ने परचम लहराया है और इस बीच अब ये मांग उठ रही है कि महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नगर निगम में मिलनी चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बीच अब इस बीच महिलाओं को एक नई जिम्मेदारी की पैरवी यहां पर विक्रमादित्य सिंह करते दिखे हैं मंत्री। और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली के लिए दिल्ली का रुख यहां पर करेंगी, वहां पर भी पार्टी आलाकमान से जो है वो बातचीत होगी और जल्द ही फैसला यहां पर लिया जा सकता है। तो बताते हैं आपको कि चुनाव में 21 महिलाओं ने परचम लहराया, जिनमें 21 कांग्रेस की थी, कांग्रेस पार्टी की 14 महिलाएं इसमें शामिल रही हैं। बता दें आपको जल्द ही सीएम प्रदेश अध्यक्ष की बैठक होगी, उसमें कुछ निर्णय जो है वो निकल कर लिया जाएगा। मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। तो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो यहाँ पर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और ये बहुत सही मौका है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस की पैरवी हमेशा करती आई हैं कि पार्टी में महिलाओं का स्थान जो है उसे ऊपर लाना होगा और यही वजह है कि अब जब शिमला नगर निगम के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा और खासकर जो महिला कांग्रेस नेत्री हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उन्हें यहाँ पर बड़ा पद जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस पर विचार विमर्श जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। जल्दी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक होगी और जाहिर तौर पर उसमें चर्चा की जाएगी। बढ़ेंगे आगे, उधर नाहन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रुपेंद्र ठाकुर ने कहा है कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार नीतियों पर लोगों ने भरोसा जताया है और भाजपा की जन विरोधी नीतियों को साफ नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पर प्रदेश की जनता ने विकास और बदलाव के लिए भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और नगर निगम के चुनाव के बाद अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी जनता ऐसे ही जवाब देगी। उधर पौंटे साहिब शहीद प्रमोद नेगी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। आपको बता दें शहीद प्रमोद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि राजौरी जिले के कंडी इलाके में मुठभेड़ के दौरान शहीद प्रमोद पूरे जज्बे के साथ लड़े, अंत में आतंकवादियों की ओर से किए गए विस्फोट में वो शहीद हो गए।
जब पंचतत्व में विलीन किया गया तो पूरा गांव नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देता दिखा। देशभक्त भक्त ही नारे लगाते रहे और साथ ही साथ पूरा इलाका शहीद के अमर रहने के नारों से गूंज उठा। सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, एसडीएम, डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे। तो जम्मू के राजौरी में लगातार दूसरे दिन भी आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी रहा। आपको बता दें कि जवानों को कामयाबी भी इस दौरान मिली। उन्होंने दो आतंकियों को मुठभेड़ में जवाब देते हुए मार गिराया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पाक की फिर नापाक हरकत, देश के 5 लाल शहीद, सुरक्षा बल का मुंहतोड़ जवाब, दो आतंकी ढेर, ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुबह शुक्रवार को ऐसी दुखद खबर आई जिसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने घात लगाकर विस्फोट किया जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में हिमाचल के 2 लाल भी शहीद हो गए। सिरमौर के सिलाई के प्रमोद नेगी और कांगड़ा के पालमपुर के अरविंद कुमार ने आतंकियों से मुठभेड़ में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस हमले में कुल 5 जवान शहीद हुए हैं जबकि अब भी इलाके में एनकाउंटर जारी है। 2017 में सेना में भर्ती हुए थे शहीद प्रमोद नेगी। शहीद प्रमोद नेगी 2017 में 9 पैरा रेजिमेंट में हुए थे भर्ती। पिछले 2 सालों से स्पेशल फोर्सेस में दे रहे थे सेवाएं। स्पेशल फोर्सेस में प्रमोद नेगी रेड कैप से भी सम्मानित थे। बेहद साहसी और प्रतिभाशाली थे अरविंद कुमार। साल 2010 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। कुछ सालों में ही उन्होंने स्पेशल फोर्स में अपनी जगह बनाई। 9 पैरा कमांडो के तहत दे रहे थे अपनी सेवाएं। अरविंद ने जर्मन कंपटीशन में भी अवार्ड हासिल किए। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन में भी अहम भूमिका निभाई। राजौरी का कंडी हिली इलाका है, साथ ही घना जंगल है। यहाँ कई गुफाएं भी हैं। इस वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। आर्मी ने बताया कि ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ था। राजौरी में कंडी के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है जिसमें अभी तक सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए मार गिराया। मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई था। क्या उम्र, क्या एज रही होगी उनकी? अभी 33 है। 33 साल। हाँ, कब भर्ती हुए थे? 2010 में भर्ती हुआ था। कौन सी रेजिमेंट में है, कुछ आइडिया? 21 पंजाब में भर्ती हुआ था, वहाँ से प्रमोट होकर के 9 पैरा से। तो हमने सुना है कि बचपन से ही बहुत साहसी थे, सेना में ही जाना चाहते थे, क्या कहना चाहेंगे? वो पढ़ाई के टाइम से ही बोलता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और देश के लिए कुछ करूंगा। तथा उसको घर वाले सभी बोलते थे और नौकरी भी है, इतनी सारी नौकरी कहीं और कर लो। नहीं, वो बोलता था मैं आर्मी में ही जाऊंगा और खुद दिल्ली जाकर के भर्ती हुआ था। दिल्ली जाके? हाँ जी। जब घर आता था, छुट्टियों पे आता था, तो क्या एक्टिविटी रहती थी घर में आकर, किस तरह का? वो सब साथ मिलजुल कर रहता था, गांव के जो भी आदमी था उनसे मिलजुल कर रहता था। सभी लोग उसको बहुत चाहते थे। इस देश के विषय में जाने और मेरा दूसरा बेटा भी इसी में बात हुई थी। पहले मैंने उनके सूबेदार की बात हुई थी मेरे से, फिर मैंने उसका नंबर दिया उनको, फिर उसके बाद अपने आप भी बात की मैंने अपने बेटे से। मैं ऐसा करना बेटा तो एम डेड बॉडी के साथ आना। फिर उसके बाद वहाँ जो उनका सूबेदार है उसने भी मेरे से बात की, बोला आप ये ऐसे तो नहीं कर रहा ड्रामा। बेटा तेरे मामू भी दोनों टीचर है, तू भी क्यों जाना चाहता है आर्मी में? वो बोलता था ऐसे कि मैं
बहुत पसंद हूँ। देशभक्ति के लिए मैंने जो है ना इस लाइन में जाना है। फिर पहले था वो दूसरे इसमें ना फिर बढ़। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। और मैं 10 दिन अब फोन करूँगा नहीं आपसे, मेरी बात हो नहीं पाएगी। मेरा बेटा तो बहुत ही मतौड़ा है, जो वो जो है ना पाकिस्तान की, उनका सत्यानाश होना चाहिए। वही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट करते हुए शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही कहा कि राजौरी आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना व आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद व 1 जवान के घायल होने की खबर है। हिमाचल के जवान भी इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं। भगवान शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करे व घायलों को जल्द स्वस्थ करे। ओम शांति। शहीदों के घर में मातम पसरा है। दोनों लाल के पार्थिव शरीर को कल उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। मैं आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि सिंगला ट्रॉप में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए मंदी के संतोष ठाकुर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 10 वर्षीय बेटे अक्षत ठाकुर ने अपने शहीद पिता संतोष ठाकुर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन समेत सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। उधर बद्दी में आपको बता दें कि नंबरदार जन कल्याण महासंघ के गत दिवस मनाया गया, और ये गत दिवस नंबरदारों के मानदेय में 500 रूपये बढ़ाए जाने पर मनाया जा रहा है। बता दें इसलिए लोगों ने राज्य सरकार का आभार जताते हुए मुख्य संसदीय सचिव का इस कार्यक्रम में जोरों शोरों से स्वागत किया। और मुख्य संसदीय सचिव ने खुश होते हुए बताया कि हाल ही में पास हुए बजट में मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा में राजस्व विभाग के नंबरदारों के मानदेय को 3200 से बढ़ाकर 3700 रूपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी। साथ ही प्रदेश में ई स्टाम्पिंग योजना भी शुरू की जाएगी, और 6000 अनाथ बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना के बारे में भी बताया। इसके अलावा ई ट्रक, ई बस, ई टैक्सी और ई गुड्स कैरियर की खरीद के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, और लंबरदारी प्रथा बड़ी पुरानी प्रथा रही है। पुराने ज़माने में सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन का काम लंबरदार करते थे, तो अब तो मेरे ख्याल वो मुआवजा ख़त्म हो गया, मामला वगैरह होता था। वीरभद्र सिंह जी ने इनको मान दिया, इनका मानदेय बढ़ाया। अभी हमारी सरकार ने, माननीय सुक्खू जी ने, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इनका मानदेय बढ़ाया, और इसके लिए ये सारे लोग जो है सरकार का आभार प्रकट करना चाहते थे। उधर किसान परविंदर सिंह ने आपको बता दें कि ड्रैगन फ्रूट के हजारों पौधों की नर्सरी तैयार की है। ड्रैगन फ्रूट की खेती हमीरपुर के किसानों के लिए कैसे ताकत बन रही है, देखिए रिपोर्ट। हमीरपुर में अब ड्रैगन फ्रूट की खेती होगी। जिले के प्रगतिशील किसान परविंदर सिंह ने ड्रैगन फ्रूट के हजारों पौधों की नर्सरी तैयार की है। अपने घर के आंगन में ही लालड़ी निवासी परविंदर सिंह ने छोटी सी नर्सरी में ड्रैगन फ्रूट के 5000 पौधे तैयार किए हैं। प्रारंभिक चरण में परविंदर सिंह ने 700 के लगभग पौधे प्लांटेशन के लिए तैयार कर लिए हैं, जबकि 4000 से अधिक पौधे जल्द ही प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। ड्रैगन फ्रूट काफी महंगा फल है, जिसकी मेडिसिन वैल्यू बेहद अधिक है। कैक्टस प्रजाति के इस फल के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अपने औषधीय गुणों के कारण इस फल की कीमत भी बाजार में काफी अधिक मिलती है। मात्र एक फल 100 की कीमत से बाजार में वर्तमान समय में बिक रहा है। परविंदर सिंह के प्रयास अगर रंग लाते हैं तो हमीरपुर जिले में भी किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर मालामाल हो पाएंगे। औषधीय गुणों से भरपूर है ड्रैगन फ्रूट। खून की कमी को भी दूर करता है फ्रूट। इससे हड्डियां भी होती हैं मजबूत। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है बेहतर। ड्रैगन फ्रूट का वजन 300 से 400 ग्राम के करीब।
बाजार में इसकी कीमत 100 रुपए प्रति फल के आसपास। परविंदर सिंह इससे पहले भी बागवानी विभाग के साथ मिलकर इस तरह के कार्य कर चुके हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यदि प्रगतिशील किसान परविंदर सिंह के प्रयास रंग लाते हैं तो जल्द ही हमीरपुर जिले में कैक्टस प्रजाति के ड्रैगन फ्रूट की फसल किसानों के खेतों में नजर आएगी। ड्रैगन फ्रूट वगैरह जो है काफी मात्रा में उसके प्लांट तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जो है वो हमारे हिमाचल में भी मतलब उसका अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। इस टाइम मैंने मतलब कम से कम 5,000 के करीब पौधा को तैयार करना है और अभी 500-700 पौधा मैंने तैयार कर लिया है। आने वाले कल को ड्रैगन फ्रूट की ज़्यादा डिमांड है, इसका जूस वगैरह और मेडिसिन वगैरह में इसका प्रयोग होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं नर्सरी करता हूँ तो मैं ऐसे प्लांट तैयार करूँ जिससे कि मतलब इसका कहीं फ़ायदा हो। अभी विभाग ने विभाग तो मेरे लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं, पर अभी विभाग को पता ही नहीं है कि मैं मतलब कर रहा हूँ तैयार। उनसे बात करूँगा भी मतलब ऐसे ऐसे मैंने फ्रूट तैयार किया है, मतलब इसका ऐसा थोड़ा सा रिजल्ट जो है अच्छा है और मैं काफ़ी इसको मतलब मात्रा में तैयार करना चाहता हूँ। प्रगतिशील किसान परविंदर सिंह ने कहा कि हिमाचल में कई जगह इसकी खेती की जा रही है, बिना ट्रायल के जिले में इसकी खेती के बारे में राय देना उचित नहीं होगा। फिलहाल बागवानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती से काफी मुनाफा मिलेगा। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट। उधर बिलासपुर बस अड्डे के बाहर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जा रही दो बसों के परिचालकों के बीच हाथापाई हो गई। दरअसल चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर HRTC के बस कंडक्टर और एक निजी बस कंडक्टर के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते ये कहासुनी हाथापाई में बदल गई। हाथापाई की वजह दरअसल टाइम टेबल बताया जा रहा है। बता दें कि दोनों परिचालक यात्रियों की परवाह के बगैर ही आपस में झगड़ने लगे और साथ ही साथ जिससे कि सवारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उधर सोलन के अस्पताल में आपको बता दें कि आर्टरी के लिए अब फेस रीडिंग मशीनों का इस्तेमाल जल्द ही शुरू होगा। बता दें आपको कि सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को समय से कार्यस्थल पर पहुंचना होगा। पहले मशीन में कर्मचारी का चेहरा स्कैन होगा और उसके बाद ही हाजिरी लगेगी। हालांकि पहले इस प्रकार की मशीनों को उपयोग में नहीं लाया गया, लेकिन अब इसके इस्तेमाल से डॉक्टरों के मनमानी और साथ ही उनके इंतजार से मरीजों को राहत मिलेगी। देरी करने पर मशीन में उनकी गैर हाजिरी लग जाएगी और मशीन की खासियत है कि इसे आधार कार्ड से लिंक किया जाता है, जिससे फर्जी हाजिरी की कोई भी आशंका नहीं होगी। बहुत पहले से ये डायरेक्शन है गवर्नमेंट की और माननीय अदालत ने भी, जनाब हाई कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी हैं कि जितने भी हॉस्पिटल में जो है हमारे कर्मचारी हैं ठीक है, उनकी अटेंडेंस जो है ना वो रेगुलेट करने के लिए एक बायोमेट्रिक मशीन पहले होती थी। और चलिए अब रुक करेंगे बारह जिले बारह खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। उल्लू के जालपुर अस्पताल में एक स्वयंसेवी को तैनात किया गया है, जो कि उर्दू के रिकॉर्ड का अनुवाद हिंदी भाषा में करेगा, जिससे कि लोगों को अपने पुराने रिकॉर्ड निकालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के पास 1884 से लेकर 1962 तक के सारे रिकॉर्ड उर्दू भाषा में अंकित है। उर्दू भाषा की जानकारी न होने के कारण लोगों को दिक्कत होती थी, कई बार बाहरी इलाकों से भी उर्दू भाषा के जानकार को बुलाना पड़ता था। हमने यहाँ पर देखा कि 1884 से लेके 1962 तक का रिकॉर्ड उर्दू भाषा में, और उसमें जैसे ही हमारे दूर दराज से जो लोकल भी यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग हमारे यहाँ पर आते हैं और उन्हें बहुत सारी परेशानी हो रही थी कि भी किस तरह से वहाँ पर कोई एक हमारे यहाँ पर जो उस उर्दू भाषा को पढ़ते थे उनको ढूँढना पड़ता है और उनसे वहाँ पर उस जो ढूँढने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे 500 से 700 के बीच में। जब हमने देखा वहाँ पर हॉस्पिटल जाके बहुत सारे ऐसे लोग थे जहाँ दो या तीन दिन तक यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर उनको ठहरना पड़ रहा है, तो उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा होमवर्क किया, फिर पूरे
जिला में सर्च किया कि भाई और इस काम को कौन कर सकता है। फिर मैं CMO साहब से हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद जो हमारा स्टाफ था वहाँ पर, तो हमने एक जो यहाँ बजौरा में एक हमारे जो अरुण नाम के से एक व्यक्ति हैं जो कि पहले भी इस उर्दू लैंग्वेज में उनकी क्वालिफाइड हैं, तो उनसे बात की और उस आज से हमने वहाँ पर एक स्थायी रूप से CMO साहब की मदद से वहाँ पर एक व्यक्ति नियुक्त किया है। तो अब CMO साहब की तरफ से, डिपार्टमेंट वालों की तरफ से मुझे ऑफर आई है, मैं घर में ही था, कि आप दोबारा यहाँ पे आओ और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं ये सारे उर्दू में हैं और इनको सर्च करना और यहाँ से उनके डेट ऑफ बर्थ निकाल के देनी, तो यहाँ उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम हैं, कोई एक आधा आदमी कभी आता है फिर मतलब वैसे ही हो जाता है, इसलिए इन्होंने मुझे हायर किया और मैं यहाँ बैठ के लोगों का अच्छे ढंग से काम कर रहा हूँ। नालागढ़ के बरूठी वाला में लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी में घटिया सामान पहुंचाकर 32 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत थाने में दर्ज हुई। थाना SHO ने बताया है कि ओवरसीज के निदेशक अंकित सिंगला ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि बद्दी बरूठी वाला में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं। इनका जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल सप्लाई का काम है यही हमारे बरोटी वाला से, तो इन्होंने 21 अप्रैल को काला आम की किसी फर्म को जो हाईवे एक्सप्रेस थी इनके द्वारा डिमांड पर माल भेजा और इनका आरोप है कि जो माल हमने यहाँ से भेजा वो वहाँ पर डिलीवर ना हुआ है, इनके कस्टमर ने बोला कि वो कोई और चीज़ है वो नहीं है, तो जिस पर हमने अभी पंजीकृत कर दिया और अन्वेषण प्रक्रिया जारी है। कुल्लू का अब बदलता मौसम पर्यटकों के लिए भी हानिकारक साबित हो रहा है। तेज हवाओं के कारण दो पैराग्लाइडर्स रास्ता भटक गए, सौभाग्य से दोनों नदी किनारे सुरक्षित उतर गए और हादसा चल गया। दोनों काफी देर तक आकाश में यहां पर उतरे रहे और स्थानीय युवकों ने दृश्य को फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोलन नगर निगम निर्माण नींदें धरी रह गई, एक तरफ सोलन को स्वच्छता के अवार्ड मिल रहे हैं वही दूसरी ओर सफाई का कोई भी नामोनिशान नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय रमित का कहना है कि दरअसल सड़कों पर सीवरों का गंदा पानी बह रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होते ही सड़कों पर पानी का बहाव बढ़ जा रहा है। सोलन में बदलते मौसम के साथ ही सब्जियों के दामों में भी मंदी आने लगी है, वहीं दूसरी ओर खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मशरूम के अलावा सभी सब्जियों के दामों में कमी आ रही है। पिछले दिनों आपको बता दें कि बीन के दाम बीन्स के दाम 150 से पार हो चुके थे, लेकिन अब दाम फिर से 65 पर पहुंच गए। मंडी के जोनल हॉस्पिटल में फिर हड्डियों के हर प्रकार के ऑपरेशन हो सकेंगे। बता दें कि 3 लाख रुपयों के खर्च के बाद 10 आर्म्स ऑपरेशन मशीनों को ठीक करवाया गया है, जो कि हड्डियों के ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। जोनल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर DS वर्मा ने बताया कि मशीन को ठीक करवाने का प्रयास लंबे समय से जारी था। उन्होंने बताया कि नए नूरपुर में नार्कोटिक्स टीम ने 2 नशा तस्करों को कई ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।